आदमी। ये हर वक्त अपनी अना के स्कूल में बंद रहता है। बहुत बदतमीज, चिड़चिड़ा और बदमिजाज, आदम बेजार है। ये बिल्कुल ही रूखा चाप, मुश्किल चाप। ये कमाल अहमद रिजवी के बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय है, लेकिन कमाल अहमद रिजवी कौन है, क्या है, आइए कमाल अहमद रिजवी को दरियाफ्त करते हैं। कई ड्रामे, सदाकारी, अदाकारी, हिदायतकारी, ये हैं कमाल अहमद रिजवी। अबे तू भी अपनी कहानी, अपनी स्टोरी इन्हीं अल्फाज में पब्लिक को सुनाएगा तो वो रो पड़ेगी। हाँ ट्राई तो करें एक दफा। ए अल्लाह के प्यारो, क्या बात, बहुत अच्छा, आगे चला के सर। मेरे खाविन को दीदी की हो गई है। अबे खाविन को नहीं, दीदी को और दीदी की नहीं देखे। मैं सन 1930 में धर्म स्वतंत्र हिन्दुस्तान के चार्जिया में पैदा हुआ। मैं बड़ा ही छोटा सा था, वालदन 3 साल का, तो मेरी वालदा इंतकाल कर गई। मुझे बचपन में मोहब्बत भी मिली और मैं एक बहुत तन्हा बच्चा था। इतना तन्हा था कि मेरे पास खिलौने तक नहीं, जिसे मैं खेल के अपना वक्त निकाल लेता। इस तन्हाई ने मुझे बहुत अरसे तक खड़ा किया। मेरे वालिद सैयद अब्दुल रशीद मरहूम एक पुलिस ऑफिसर थे। मेरा ख्याल है कि वो भी मेरी तरह ही तन्हा आदमी थे, शायद इसीलिए वो मजहबी भी थे, मजहब का उनके ऊपर बहुत गहरा असर था। और मुझे बचपन में उन्होंने जो मजहब से मुतारिफ कराया, उसका असर मेरी जिंदगी में बहुत दूर दूर तक जाता रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तन्हाई बढ़ती चली गई। वो मुनाफिकतों के दरमियान मोहब्बतों के मुतलाशी रहे। अदब की गुद में उन्हें बात की हरारत मिली। 12 साल की उम्र में मैंने पहली गाने लिखी। मेरा ख्याल है कि उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ रिसाले बहुत आते थे। मुझे इसी तरह याद है कि मैं आज से पूरी तरह निगार रिसाला आता था, मैंने निगार पढ़ा, मैंने उस जमाने में आलमगीर रिसाला आता था। तो इन चीज़ों को देखकर मेरा ख्याल है मुझे ये शौक पैदा हुआ कि मैं भी कहानी लिखूँ। थिएटर का भी शौक मेरा उसी जमाने में पैदा हुआ। हमारे एक मास्टर ने मुझसे कहा कि स्कूल में हम एक ड्रामा कर रहे हैं, तुम उसमें काम करोगे? मैंने कहा हाँ मैं काम करूँगा। मैंने तुम घबराओगे तो नहीं, नर्वस तो नहीं होगी? मैं कहूँगा नहीं। मैंने अपने वालिद साहब से जिक्र किया, मैंने कहा कि मैं वो जो एनुअल फंक्शन है उसमें मैं ड्रामा कर रहा हूँ मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसमें सैलाब का किरदार मुझे अदा करना है, आप आएंगे? क्या मुझे क्या 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 कर रहे हैं? कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, मैं बड़ा इंतजार करता रहा। जितने बच्चे थे उन सबके बाप वहाँ पर आए और जो अदाकारी कर रहे थे सब बैठे थे सामने वाले वाली करनी है। खैर मैंने वो गाना किया। जब पंडाल उठ गया, सब चले गए, सारे वो कॉस्ट्यूम उतर गए, मैंने शहजाब का ड्रेस उतार करके हवाले कर दिया, तो इसमें मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब छतरी काटे हुए तो चले आ रहे हैं। बोले हाँ भाई वो
क्या तुम्हारी बरसात खत्म हो गई? मैंने कहा कि हाँ। पिछला दफ्तर और इंटेंसिव हाई क्लास सुनी है नाइस स्कूल। नौजवान कमाल अहमद रुकी ने बहुत से ख्वाब सजा रखे थे। महरूमियों ने उनमें तलखियां भर दी, लेकिन कुछ कर गुजरने का अभी कभी मान नहीं पड़ा। नहीं नहीं बाबू नहीं नहीं। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं ताजा ताजा ग्रेजुएट पाकिस्तान आ गया। सबसे पहले मैं कराची है और पाकिस्तान करने के बाद ये शहर नया नया अंगड़ाइयाँ लेकर के जैसे कहते हैं तैयार हो रहा था। सारे अदीब हिंदुस्तान के कराची में मौजूद थे। इनके साथ मैं प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में इनका साथ था मेरा। मैं अक्सर जाया करता सुना था बैठता था। फिर मैं कराची से लाहौर आया था। कमाल अहमद रिजवी को लाहौर में अपनी सलाहियतों के उभार के मौके मिले। रेडियो पर स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ सदाकारी भी की, अंग्रेजी कुतुब के उर्दू तर्जुमे किए, थिएटर के कई ड्रामे लिखे, अदाकारी भी की, बच्चों के कई रिसालों के मदीर के फराइज भी अंजाम दिए। जिंदगी की तलखियां, माशरे की नाहमवारियां, बाख्तियार अफराद की मुनाफतें और इंसान का कर्ज कमाल अहमद रिजवी की तकलीफों का ईंधन बना। उस जमाने में हमारे यहाँ रेडियो ही टेलीविजन था। अजीब अल्फाज से तस्वीर तकलीफ करते थे। कमाल अहमद रिजवी ने आवाज की इस दुनिया में कई बरस शाहिरी की। सन 50 का जमाना याद आता है मुझे। यहाँ अगर ये रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं मेरी वॉइस भी अप्रूव हो जाएगी, लेकिन जो बाहर लिस्ट लगा देते थे कि ये लोग जो है ये अप्रूव हो चुके हैं और ये अब हिस्सा लेंगे रेडियो के प्रोग्राम, तो मैं बड़ा थ्रिल हुआ। मैंने कहा कि मैंने अपना नाम देखा उसमें पहली बार और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अब रेडियो का सलाहकार बन जाऊंगा। तो जिस आदमी ने मेरा ऑडिशन दिया था तो कहने लगा क्या देख रहे हो भाई तुम गौर से। मैंने कहा जी मेरा नाम इसमें आ गया। कहले क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा कहाँ से आएगा, तुम्हारी तो आवाज ही कुछ नहीं है यार, क्यों पीछे पड़े हुए हो हमारे। तो रेडियो जो है मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गहवारा था, मेरी तरबियत का, मेरी आवाज का, मेरे लिखने का, मेरे सब कुछ। और इसके मेरे ऊपर बड़े वाजिब बात है जो कि अब मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ अदा कर सकूं। ये वो इमारत है जिसे कमाल अहमद रिजवी कभी फरामोश नहीं कर सकते। जैसे 52 की बात है तो मैं इसी बेड पे, इसका नंबर है 21 सर्जिकल वार्ड, यहाँ मुझे मेरे अजीज फेंक के चले गए थे। मुझे टाइफाइड का अटैक हुआ था और इस बेड पर मैं दोबारा पैदा हुआ। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी गाय पैदाइश कहाँ है तो मैं कहूँगा कि मैं दो मकाम ऐसे हैं जहाँ मैं पैदा हुआ। एक तो मैं पहली बार पैदा हुआ वो गया शहर था, और जब दूसरी बार पैदा हुआ तो ये लाहौर शहर था, और ये बेड था बेड नंबर 21। कमाल अहमद रिजवी ने कई मोहब्बतें की। उनकी पहली मोहब्बत मजलूम इंसान है। गुर्बत के हाथों से सख्ते इंसानों को उन्होंने बहुत करीब से देखा। अलम देख ले,
इस अम्मा को भी पकड़ के उन्होंने खून निचोड़ लिया है। क्या हुआ भाई? अम्मा क्या देखा ना, खून निचोड़ लिया ना इन्होंने। तुझे क्या जरूरत थी इधर आने की? तुझे अगर सैरी करने जाना था तो जनाज गार्डन चली जाती। अरे नहीं पुत्र नहीं, मेरे बच्चे को खून की जरूरत है, इसे नहीं मिल रहा। मेरे साथ बात कर, छोड़ नहीं माई। हाँ मैं पैदा करूंगा खून। डॉक्टर जी, माई तुम्हें कितनी बार कहा है कि तंग मत करो, तुम्हारे बच्चे के खून का ग्रुप हमारे बैंक में नहीं है। तो आप हमारे बैंक से उधार लेंगे ना? आपके बैंक से? हाँ जी, ये देखे ये चलता फिरता ब्लडी बैंक, ब्लड बैंक। हाँ आपके आपके खून का ग्रुप क्या है? शरीफों का ग्रुप है जी, हमारे अंदर तो ईमानदारी और शराफत का खून है। आप चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मेरा मतलब ये है कि आपके खून की क्वालिटी क्या है? पूरी बेस्ट क्वालिटी है, रत्ती भर मिलावट नहीं है, खालस। उनकी दूसरी मोहब्बत किताबें हैं। बचपन की ये मोहब्बत नौजवानी में इश्क बन गई। इस इश्क ने बड़े तलातम बर्पा किए। तो ये है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी और इससे मेरा इतने वर्षों का ताल्लुक रहा है। जब से मैं लाहौर आया हूँ और जिस दिन पहली दफा मुझे पता चला कि यहाँ कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, यहाँ किताबों का इतना ज़खीरा है कि जिसके इस्तेफादे के लिए यहाँ पर लाहौर के सारे मुस्तनद अदीब, क्या गुलाम रसूल महर, क्या अब्दुल मजीद तालिक, क्या इम्तियाज़ अली ताज, क्या हकीम अहमद शिजा, क्या रफीकी, बड़ी बड़ी कदावर शक्ति हफीज जालंधरी, ये सारे लोग यहाँ आया करते थे और अपने इल्म की प्यास बुझाया करती थी। तारों से हुआ तो मैं भी ये मेरा भी ये आशियाना बन गया और 1900 याद नहीं मुझे 52 से लेकर तकरीबन 65 तक मेरा यहाँ आना जाना ऐसे ही था जैसे मैं कभी रिलीजियसली आदमी जाता होते हैं। ये मेरा एक ऐसा अड्डा था जहाँ से मैंने इतने ड्रामे पढ़े, यहाँ मेरे उन लोगों से तारुफ हुआ जिनके मैंने कभी नाम नहीं सुने थे। यहाँ मैं चेकोप से मिला, बर्नार्ड शॉ से मिला, शेक्सपियर से मिला, यहाँ पे स्टीनबर्ग से मिला, टॉलस्टॉय से मिला, बेशुमार नाम, इतने नाम जिनको गिनाना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर जितनी किताबें हैं उनको गिनना किसी के बस की बात नहीं। कमाल अहमद रिजवी की तीसरी मोहब्बत थिएटर है। 1956 में तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक रखने वाले कलमकारों पर रेडियो के दरवाजे बंद थे तो कमाल अहमद रिजवी ने थिएटर का रुख किया। लाहौर में जो मुझे सही मानों में थिएटर का ब्रेक मिला वो आज कौनसी के एग्जाम से हुआ, इसका नाम था बादशाह के साथ में और ये फैसला आपके फरमाइश से हमने मंजे साहब की बरसी के मौके पर किया था। बल्कि मंजे साहब से मैंने एक बार पता अर्ज किया कि मैं इस कहानी से बहुत मुतासर हूँ और क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसका ड्रामा बनाऊँ और इसे इमेज करूँ। तो मंजे साहब ने झिड़क के मुझसे कहा कि तुम क्या बनाऊँ, क्या मुझे ड्रामा बनाना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता, अगर मुझे ड्रामा बनाना होता तो मैं ये कहानी नहीं बनता। मैंने कहा कि हो सकता है कि आपके बाद में ये कर लूँ, तो कहने 200 बार सुधा अव्वल तो मैं मरा नहीं हूँ और दूसरे तुम अभी पैदा नहीं हुए। लेकिन जिस दिन मैंने ये ड्रामा खेला उस शाम मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पैदा हुआ। कई साल ऐसे हुए थे जबकि लाहौर शहर में थिएटर को एक बहुत संजीदा सरगर्मी के तौर पर लिया जा रहा था और आर्ट काउंसिल में मुख्तलिफ ड्रामे इस सिलसिले में हुए और उसमें सबसे पेशकश जो थे वो कमाल अहमद रिजवी थे, जिन्होंने मुख्तलिफ लिखने वालों से लिखवाए ड्रामे और फिर प्रोड्यूस किए। मसलन बानो कुशिया से अशफाक अहमद और ये लोग, एक आध ड्रामा मेरा भी उन्होंने किया। तो ये वक्त था, ये मेरे ख्याल में ये 62-63-64
के साल में जब कमाल अहमद रिजवी इस मैदान में एक डायरेक्टर के तौर पर थिएटर के डायरेक्टर के तौर पर उभर रहे थे और ये नजर आता था कि अब इस मुल्क में थिएटर एक संजीदा फनी सरगर्मी के तौर पर उभरेगा और एक उसकी एक रिवायत बनेगी और कमाल अहमद रिजवी उसमें एक बहुत बड़े डायरेक्टर की हस्तियत होगी, यानी वो इस रिवायत के रूए रवा होंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो साल ऐसे थे कि जब से हमारी कौमी और तहजीबी जिंदगी के दरवाजे पर कमर्शियलिज्म दस्तक दे रही थी, तो वो संजीदा ड्रामा जो है वो पीछे चला गया। तो उसके साथ कमाल अहमद रिजवी भी पीछे चले गए। फिर हमने उन्हें टीवी पर देखा। ये कहाँ से पकड़ी? कौन है भैया? मेरी कौन? हाँ भैया, मेरी बहू है। पता नहीं कैसे हमारे घर में आई है, इसने मेरे बेटे पर क्या जादू फोंका है। अब इसके कहने में रहता, मेरे कहने में तो रहा ही नहीं है। ये सामरी जादू करके बेटी है, तो इसको आप ऐसा करें कराची भिजा दो। हाँ जी, आप बताओ। हम दोनों को इकट्ठे देख ही नहीं सकते। क्यों? ये अंधी है, ये टीरी है। अबे लानत है तेरे ऊपर कि तू इस लड़की की साइड ले रहा है। तो लानत है तेरे ऊपर कि तू इस बूटी झटो की साइड ले रहा है। बूटी झटो, बूटी झटो, बूटी झटो, बूटी झटो। फिर तो क्या करने का? मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, मैं भी तोड़ दूंगा तुम्हारा मुंह। बूटी झटो, बूटी झटो, बूटी झटो। अलिफ नून न सिर्फ उस दौर का बल्कि आज भी पीटीवी का मकबूल तरीन प्रोग्राम है। वो दौर ऐसा था, यानी 69 और 70 का दौर था, मुल्क में सियासी तब्दीलियां होने वाली थी, इलेक्शन शुरू होने वाले थे और मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। अलिफ नून का सबसे बड़ा कमाल जो था और सबसे बड़ी खूबी ये थी जिसने उसको इतना मकबूल बनाया कि जब प्रोग्राम शुरू होता था तो सड़कें वीरान हो जाती थीं, दुकानें बंद हो जाती थीं और अगर कहीं किसी जगह टेलीविजन सेट लगा होता था तो लोग वहां जमा हो जाते थे। कमाल, लोग कहते हैं कि अलिफ नून में अलिफ यानी अल्लन से ज्यादा नून यानी नन्ने का कमाल था। नन्ना कैसा आर्टिस्ट था? इसमें कोई शक नहीं है कि अलिफ नून में नन्ने की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी और उसकी अदाकारी से इसमें चार चांद लग गए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था जैसे नन्ना अकेला इस प्रोग्राम में कुछ नहीं कर सकता। जब जोड़ी बनती है तो उसका कमाल यही है कि दो कैरेक्टर आपस में इतने घुल मिल के आते हैं आपके सामने कि उनको आप बमुश्किल एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं। इसकी पॉपुलरिटी का मयार नन्हे की वजह से भी था और अल्लन की वजह से भी था। यह अजीब इत्तेफाक की बात है कि अल्लन में खुद था। कमाल अहमद रिजवी ने बहुत दुख सुने थे, जिंदगी में जो घाव लगाए उनसे टीसें अब भी उठती हैं। कमाल अहमद रिजवी ने 1 मई 1965 को स्टेज आर्टिस्ट नुसरत रफी से शादी की लेकिन जल्द ही इन्हें तलाक दे दी। मेरा ख्याल है कि नादानी की शादियां जो होती हैं उनका अंजाम यही होता है। मेरा ख्याल है वो बहुत ही नादानी की शादी थी, मेरे लिए भी और नुसरत रफी के लिए भी, और शुक्र है कि हम अपनी अपनी जगह पे अलहदा होके खुश हैं। हेलो जी, क्या नुसरत है? जी मैं नुसरत बोल रही हूँ। जी मैं सरताज बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। सरताज? हाँ, जी हाँ, एक दफा इंटरव्यू के लिए। जी जी, मैंने फोन किया था। कमाल साहब पे पीटीवी एक प्रोग्राम कर रहा है पोर्ट्रेट के नाम से, उस सिलसिले में आपसे बात करनी थी। जरूर। क्या आप मिस करती हैं उनको?
हाँ ये तो है, लेकिन अब आप तो मैं क्या करूँ इस सब में, मेरे मौजूदा मियाँ मेरे पास पैसे हैं। बस इतना ही अफसोस होता है कि ये बात हमारी चली नहीं। अगर ज्यादा समझ थोड़ी सी मुझमें होती तो शायद मैं संभाल लेती, उस रिश्ते को निभा लेती। अच्छा ये बताइए कि आपने दूसरी शादी कमाल साहब से अलहदगी है, कितने अरसे बात की थी? क्या मतलब, जब आपने शादी की थी उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कब की और आपने कब की? उसके बाद उन्होंने तो शायद 10 साल बात की थी अमीना अब्दुल्ला से। अच्छा, मैंने 14 साल बाद। अच्छा अच्छा, तो मैंने ज्यादा इंतजार किया। किसका इंतजार किया था? तुम्हारे रहने का। मतलब बेटे को कमाल साहब बहुत मिस करते हैं, आप इन दोनों के दरमियान ब्रिज भी तो बन सकती थी। कमाल को मैंने थैंक यू कहना था, उन्होंने अली के लिए एक किताब अपनी भेजी है साइन करके। अच्छा, वो कोई शख्सियत नंबर जी, शख्सियत नंबर था उनका। जी जी जी, तो वो अली को मैंने पहुंचा दिए। लेकिन अली जत्ताज अली यहाँ अब इतना बिजी है, बेटे उसकी शादी भी हो गई है, अब तो उसकी माशाल्लाह दूसरी बच्ची भी हो गई है, तो अली से अगर आपकी बात नहीं हुई तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई, मेरी भी उससे काफी कई कई दिन बात नहीं हुई। जब से हमारी नुसरत रफी से जुदाई का ये मामला खत्म हुआ तो उसके बाद वो लड़का मुझसे छीना ही रहा, और ऐसी इन शादियों के तलाक के बाद जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो बच्चे पर ही पड़ता है। हम दोनों में एक वो रेपो पैदा नहीं हो सका जो एक बाप और बेटे के दरमियान होता है। मुझे आम बाप की तरह महसूस नहीं हुआ, शिद्दत के साथ, शायद वो मेरे पास होता तो मुझे बहुत शिद्दत के साथ महसूस होता, उसके बारे में मैं बहुत शिद्दत के साथ सोचता। लेकिन कुछ जहन में तलखियां और कुछ जहन में कुछ कदूरतें होती हैं, इंसानी तबीयत का खादसा है ये। लेकिन ये है कि मैं फिर भी उसको मिस करता रहा। ये दूरियां जो है हम दोनों के मोहब्बतों को और हमारे जो जज्बात थे उनको आहिस्ता आहिस्ता उस पर असर अंदाज होती रही, और उसका बड़ा बड़ा बुरा नतीजा हुआ। जब इनकी पहली शादी खत्म हुई है, उस शादी में से इनका एक बेटा है, तो फिर मैं रावलपिंडी गई चैलेंज इसलिए कि इनका सीरियल था बहुत ही बोल्ड किस्म का और बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ, तो उसमें मैं काम कर रही थी। लाहौर से मुझे वहां बुलाया गया था। टीवी स्टेशन से बाहर निकले तो एक गाड़ी में कोई पेरेंट्स एक बच्चे को छोड़ गए हुए थे, तो कमाल साहब उस बच्चे को देख के जो मैंने इनमें एक मोहब्बत और वो एक जो वालदैन में बे इंतहा अपनी औलाद के साथ एक उन्स और मोहब्बत होती है वो मैंने देखी, और मैं बड़ी परेशान हुई क्योंकि इनके पहले मिजाज से मैं वाकिफ थी। मैंने कहा ये कितना बड़ा एक चेंज है। उसके बाद ये कहने लगे कि ये बच्चा बिल्कुल मेरे बेटे की तरह नहीं लगता। मैंने देखा, मैंने फील किया कि ये उसको याद करके कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं 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 कमाल साहब, आपका बेटा इससे बहुत खूबसूरत है, प्यारी शक्ल का है। तो नहीं 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 वो उसी तरह रहा। उसको जाके इन्होंने प्यार किया, पुचकारा। 1 मई 1975 में अमीना अब्दुल्ला इनकी दूसरी शरीक हयात बनी, लेकिन इस शादी का इख्तिताम भी तलाक पर हुआ। दूसरी शादी थी वो डेस्परेशन की शादी थी। मैं इतना डेस्परेट था कि मुझे किसी का सहारा चाहिए था, यूं समझ लें। और उस वक्त मुझे अमीना अब्दुल्ला में वो सारी खसूसियात और सारी चीजें नजर आई कि यही होगी। लेकिन वही मैंने अर्ज किया कि डेस्परेट होकर जो शादी होती है उसका भी अंजाम वैसे ही होता है जो नादानी वाली शादी का होता है। 16 अक्टूबर 1983 को कमाल अहमद रिजवी ने तीसरी शादी इशरत जहां से की। ये 83 वाली शादी जो थी ये हमारी कामयाब शादी कहलाई जा सकती है, और अभी 3 या 4 दिन पहले ये हमारी शादी की 16वीं सालगिरह थी। और कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि मैं इतने अरसे तक एक खातून के साथ कैसे टिक गया। मेरा ख्याल है ये कमाल मेरा नहीं है, ये सारा कमाल उस खातून का है जिसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मेरा ख्याल है कि 10 शादियां भी मैं करता और तो मुझे ना मिलती। इससे ज्यादा मैं उनके
शान में और क्या कसीदा कोई कर सकता। जो रिपोर्टेशन थी दो तलाकों के बाद वो भी वैसे काबिल कबूल नहीं थी, कम से कम मेरे खानदान में। ये कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने वालिद को राजी किया था शादी पर। इनको लोग जो हैं बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं, इनको समझने में बड़ा टाइम लगता है, और मेरे ख्याल में मैंने इनको समझने की कोशिश की और इसी वजह से शायद हमारी शादी कामयाब भी रही। क्योंकि बजाय तो बड़े सख्त दिल आदमी हैं, बहुत ही अखड़ मिजाज, मगर अंदर से ये इंतहाई नम दिल हैं। क्योंकि ये बहुत ही खुले और खरे आदमी, अपनी कोई बात मतलब छुपाते नहीं आते। तो इनकी जितनी भी डिवोर्स इनकी दोनों हुई तो उसकी सारी बातें मुझे पता थी, तो मैंने कोशिश की थी कि वही बातें फिर ना हो दोबारा। कमाल अजीज जी का कमाल एक है कि ही इज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। कमीना है, लालची है, तवां भी है, सिंसियर भी है, खुदा खौफी भी करता है, रिलीजियस भी है, इरिलीजियस भी है, फ्रेंक भी है, गाली भी देता है, गाली खाता भी है। तो मेरे नजदीक ऐसा आदमी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, उसने कभी फरिश्ता बनने की कोशिश की नहीं। बाज वक्त यूं होता है कि एक जो क्रिएटिव आदमी है वो अपने आप को कंटेन नहीं कर सकता, एक फॉर्म में या एक फन में या एक मीडियम में वो डिससेटिस्फेक्शन फील करता है। और अगर उसमें इतनी सलाहियत है, अगर उसने अपने आप को इतना ट्रेन किया है, मतलब बाज दफा आई कैन नॉट ट्रांसफर कलर इनटू माय फिक्शन, आई नीड कलर्स फॉर दैट, सो यूज कलर्स। अब मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं या नहीं हूं, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद इट। मैं तो अपने अजाब से निजात हासिल करना चाह रहा हूं ना, मैं अपनी कम्युनिकेशन चाह रहा हूं ना। तो मे बी सेम इज द केस विद कमाल, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज एन एक्टर। कमाल, आपने अलिफ नून के अलावा भी कुछ किया या उसी की खाते रहे? अलिफ नून से जेबें तो बड़ी नहीं भरी थी, अलबत्ता नाम बहुत कमाया मैंने। अलिफ नून की शोहरत से मुझे बहुत फायदा हुआ और वो फायदा अभी तक मैं उठा रहा हूं, इसमें कोई कलाम नहीं है। लेकिन ये कहना कि अलिफ नून ने मुझे अमीर कर दिया, अलिफ नून ने मुझे बहुत बड़ा सरमायादार बना दिया, तो ऐसी बात नहीं है। ये बाहर के मुल्कों में होता है। अगर अलिफ नून जैसा प्रोग्राम मैं किसी और मुल्क में करता तो आज तक मैं बैठ के घर पे खा रहा होता, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम अलिफ नून खत्म होता था हमारी हंडिया बंद हो जाती। ।1985 में मिस्टर शैतान ने बहुत सी शैतानियां की। ।1989 में चोर मचाए शोर ने बड़ा शोर बर्पा किया। ।1991 में कमाल अहमद रिजवी ने नया सबक पढ़ाने की कोशिश की। आपको किसने अदाकार बनाया? आप अदाकार हैं? किसने सिखाया आपको? ना चलना जानती हैं, ना स्टेज पे खड़ा होना जानती हैं। सारा काम जो कमाल साहब के साथ किया वो स्टेज के हवाले से किया, मगर रुला रुला के हो गया किसी तरह, अल्लाह अल्लाह करके काम बहुत अच्छा हुआ, मगर ये कि बहुत रुलाया और बहुत तंग किया। अगली दफा फिर 5 साल पहले उन्होंने मुझसे ड्रामे के लिए कहा, जिसमें मेरा मेन रोल था, ड्रामे का सेंट्रल कैरेक्टर ये खातून थी। इस हमाम में हम सब नंगे हैं, नाम ही ऐसा खौफजदा, लेकिन उसने बहुत बेशुमार लाइनें मुझे याद करनी पड़ी क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर था। उसने भी बेहद तंग किया। मैंने कानों को हाथ लगाया कि कमाल साहब के साथ अपने आइंदा काम नहीं करूंगी, मगर इन सब बातों के बावजूद एक अंदर से एक रिस्पेक्ट थी जो कि बहुत उभर के सामने आई। जैसे मैंने कहा कि शुरू से उनको उस्ताद तो मान लिया था, क्योंकि जब वो एक रोल करके आपको दिखाते थे या एक अंदाज उनका बोलने का होता था तो आप कहते थे वाकई ये अदाकार है,
राइटर तो थे, बहुत पाए का लिखते, लेकिन अदाकार भी बहुत जबरदस्त थे। जब आके अपना छोटा सा एक रोल करते थे तो उसमें सब कुछ मैनेज कर लेते थे, हर चीज एक कंप्लीट फॉर्म में सामने आ जाती थी। कमाल, ये भी शायद आपका रिकॉर्ड है कि आपके तकरीबन हर ड्रामे पर पीटीवी को मुकदमात का सामना करना पड़ा। वो इसलिए होता था कि लोग सच का सामना करने से घबराते थे। जिन लोगों को मैं बेनकाब करता था वो फिर उनको बड़ी तकलीफ होती थी। दूसरे के ऊपर तो हंस सकता है आदमी, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो हंसना बंद हो जाता है। बेशुमार मुकदमे खड़े हुए, बेशुमार लोगों को टेलीविजन के हुक्म में से जाकर के कटहरों में खड़ा होना पड़ा। यहाँ लाहौर में जब मैं शुरू में अलिफ नून करता था, बहुत से लोगों ने जाकर के इस्लामाबाद में जाकर के सीरियल को बंद कराने की कोशिश की, या उस एपिसोड को बंद कराने की कोशिश की जिसके बारे में उनको अंदरूनी तौर पर मालूम हुआ कि वो उनके खिलाफ है। बाजों ने यह कहा कि आप अगर कहते तो मैं आपको पैसों में नहला देता, और आप ये प्रोग्राम ना करते तो आपका कितना फायदा होता। हर तरीके से मैं गुजरा हूँ। लोगों ने रिश्वतें भी मुझे पेश की हैं कि मैं प्रोग्राम ना करूं, लेकिन वो प्रोग्राम मैंने किए हैं और बगैर किसी लालच के किए हैं। कमाल, आपके मुतालिक कहा जाता है कि आप बहुत मुश्किल आदमी हैं, आपके हर प्रोड्यूसर के साथ झगड़े होते हैं, वजह बताएंगे? असल में मेरी किस्मत में जो प्रोड्यूसर लिखे हुए थे टेलीविजन के, उनकी भी एक अजीब कहानी है। यानी हर आदमी ने मेरे प्रोग्राम से अपना करियर का यानी कि आगाज किया, मशहूर हुए। ये वो लोग थे जो जिनका नाम नहीं था, लेकिन इस इन इन ड्रामों से उन्होंने अपना नाम पैदा किया। तो इससे कि उनको कितना आता होगा जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ डाला, तो मुझे कुड़न होती थी। बहुत सी चीजें वो नहीं कर सकते थे जो मेरी मर्जी के मुताबिक। वैसे यूं तो कहने को हर राइटर यही कहता है कि जी मेरे पसंद का काम नहीं हुआ, और यही प्रोड्यूसर कहता है कि जी वो स्क्रिप्ट ही नहीं था तो मैं क्या करता। लेकिन मेरे स्क्रिप्ट से प्रोड्यूसर बने हैं, और जिस तरह बने हैं वो खुद भी जानते हैं। तो मैं जब डिफिकल्ट होता था तो इसलिए होता था कि वो बाकायदा मश करते थे मेरे ऊपर। वो मतलब ये कि दे आर नॉट वेरी पॉलिश्ड प्रोड्यूसर। तो जब पॉलिश प्रोड्यूसर आप मुझे नहीं लेंगे तो फिर मैं तो फिर पागलों की तरह हरकत करूंगा, और वो मैं करता था। फिर ये अच्छे प्रोड्यूसर भी यही बने हैं, ये इस प्रोफेशन से इस हद तक मोहब्बत करते हैं आर्ट की फील्ड से, ड्रामे की फील्ड से, जो उसमें रत्ती बराबर भी वो कमी नहीं आने देते। वो चाहते हैं हर चीज इतनी परफेक्ट हो, इतनी स्मूथ हो कि वो जब वो चीज ऑन एयर जाए तो इट शुड बी गुड। मुझे तो ऐसा लगता है कि कमाल मजीदी पाकिस्तान टेलीविजन के लिए नहीं बल्कि हॉलीवुड के लिए बने हैं, जहां पर हर काम बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे के अंदर होता है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहां पर हम लोग छोटे छोटे मसाइल पर कंप्रोमाइज करते हैं। कमाल अहमद रिजवी ड्रामे में या पीटीवी की किसी भी प्रोडक्शन के अंदर कंप्रोमाइज करने वाला एटीट्यूड उनके अंदर नहीं है। बुद्धि हो गई है, सठिया गई है, किसी माकूल आदमी से बात करने की अहलियत नहीं रही इसमें। बेटी, इसको माजूर जान के तो माफ कर दो। देखो ना, आखिर हम भी गुजारा कर रहे हैं इसके साथ, चाहे वो एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन लेती चली जाए। हमने कभी नहीं एतराज किया उनकी किसी बात पर। कोशिश करो। वो तुम्हारी खादा आ गई, देखो कितनी अच्छी लग रही है। चलो भाई, गले मिलो दोनों, शाबाश, जोर से। खबरदार जो तुमने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो। कमाल, आपकी तहरीरों में इतनी ज्यादा तलखी क्यों होती है? लगता है कि जमाने से अपनी महरूमियों का इंतकाम लेना चाहते हैं। नहीं, इंतकाम तो मैं नहीं लेना चाहता। अलबत्ता ये है कि ये माहौल की जितनी तलखियां हैं वो मैंने अपने अंदर समो ली हैं। ये तलखियां मेरे अंदर जमा हुई हैं, और आज से नहीं जमा हुई हैं, जब से पाकिस्तान बना है जमा हो के वो इतनी भर गई है मेरे अंदर कि मैं बोलता हूँ तो मेरे मुंह से वो ऑटोमेटिकली बारूद की गोलियों की तरह निकलना शुरू होती। वो मेरा एक प्रोसेस है, वो एक कैथारसिस है, जो निकलना शुरू होती है तो वो उसमें फोर्स उसमें इतना होता है कि दूसरों को यही लगता है कि जैसे मैं कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहा हूँ। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं है। एक अजीब की हैसियत से, एक अदाकार की हैसियत से माशरे को झिझोड़ना, माशरे को
आगाह करना, ये सारा काम जो है ये एक मेरी जिम्मेदारी है जिसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कमाल अहमद रिजवी ने कई लॉन्ग प्ले भी तहरीर किए। उन्होंने हर लॉन्ग प्ले में जिंदगी की हकीकतों का इजहार अपने मखसूस अंदाज में किया। थैंक यू, नो थैंक यू, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। आई डोंट नीड यू, यू नीड मी। हाँ ऐसा नई रोशनी के दफ्तर खोया हुआ आदमी कमाल अहमद रिजवी का एक शाहकार है। ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो बहुत से दरवाजे खटखटाता है लेकिन हर जगह नाकामी इसका मुकद्दर बनती है। इसे रोज रोज मरना पड़ता है। माफ करना जी, वो प्लीज आप मेरी बीवी की बातों का प्लीज बुरा ना मनाए। हम तो आपस में कुछ बातें कर रहे थे यहाँ अपने घर में, तो आप उनके साथ बुरा तो ना मनाए ना। प्लीज प्लीज आते इनके पास हमेशा पानी होता है, ये पानी को जमा करके रखते हैं। हम कैसे पर एक मिनट को मुझे तुमने तो बहुत फर्क आ गया है दानी, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था, बस ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो। अब उतर गई हो, तुम ठीक कहते हो दानी, मैं डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वाकई इस तजर्बे से गुजरकर बहुत कुछ सीख लिया है। तुम तो बहुत बुलंद हो दानी, तुम इन जैसे छोटे लोग कुछ नहीं हो, ये तो बहुत अकील लोग हैं। तो बहुत बुलंद हो, मुझे तुम पर बहुत नाज है दानी, बहुत नाज है। दानी पानी आ गया, पानी आ गया दानी, मैं जी भर के नहाऊंगी, जी भर के नहाऊंगी। सवाल चाकू से गुदगुदी करता है, अच्छी बात तो कमाल में यही रही कि उसने यहाँ अच्छे दोस्त बनाए। मेरे पर कम लोगों की शिकायत होगी कमाल से और जिंदगी बेहतर बसर की। कमाल कोई शायर भी अच्छा लगा, दिल में उतरा। हाँ शायरी अगर दिल में ना उतरे तो आदमी तो फिर मुर्दा हुआ ना। शायरी के शायरी एक ऐसी चीज है जो इतनी अछूते अंदाज से दिल को असर करती है जितना और कोई चीज नहीं करती। अदब में, अदब के हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे शायरों में जाहिर है कि एक शायर जो मेरा बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मेरा दीन और ईमान, वो है मिर्जा गालिब। बस वो है एक ऐसा शायर जो जिसको मैंने बहुत ही करीब से महसूस किया। शायरी एक चीज है जिसको महसूस करते हैं, महसूस होता है कि इस आदमी ने हमारे लिए सोचा है। ऐसा लगता है कि शायर ने हमारे लिए सोचा है, अपने लिए नहीं सोचा है। तो मिर्जा गालिब में ये खूबसूरती थी, उनके कलाम में इतनी खूबसूरती है
ये लगता है कि मेरे दुख को बांटने वाला, मेरे दर्द को समझने वाला एक शायर है, और एक ही शायर है, और वो है मिर्ज़ा ग़ालिब। दर्द से भर ना क्यों, दिल ही तो है न संगो के, दर्द से भर ना क्यों, रोएंगे हम हजार बारे में आपकी क्या राय है? मैंने जो देखा है दौलत के बारे में, महसूस किया है, वो ये है कि लोग दौलत पर भी ज़खीरा अंदोजी करते हैं। मतलब है अपने एहतियात से ज्यादा दौलत जो है वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने कभी दौलत को कभी अहमियत नहीं दी। मैं तो शुक्र करता हूँ कि मुझे इतनी दौलत नहीं मिली कि मैं, अगर मुझे दौलत मिलती तो मैं बड़े और बहुत सारे ऐसे काम कर सकता था जो शायद मैं पसंद ना करता। दौलत बड़े काम की भी चीज है, दौलत बहुत खराब चीज भी है। शोहरत को क्या समझते हैं? शोहरत मुझे अच्छी लगती है। मेरे ख्याल है कि हर आदमी को शोहरत अच्छी लगती है, लेकिन हमें जो शोहरत मिली वो जिस तरीके से मिली और जिन हाथों से मिली है उसके लिए मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये शोहरत इंसान को खराब भी करती है, बहुत खराब करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिनको शोहरत मिली है वो इतने मगरूर हो जाते हैं और वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं और वो भूल जाते हैं कि देने वाला हाथ जिसने उनको शोहरत दी है वो चाहे तो वो शोहरत को खींच भी सकता है, और अगर मिल जाए तो बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी शोहरत और मुझे अभी भी अच्छी लगती है। औरत के बारे में आपकी क्या राय है? औरत को मैंने बहुत कमजोर पाया। मैंने अपनी जिंदगी में माँ के रूप में तो खैर मैंने औरत को यूँ नहीं देखा क्योंकि मुझे माँ को देखने का मौका नहीं मिला। वो मेरे पैदाइश के 2-3 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जब मेरा वास्ता पड़ा औरतों से और मैंने देखा तो मैं कई रूप में औरत को देखता हूँ। माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, इन सब में अपनी अपनी जुदागाना खसूसियात हैं और हुस्न है, और इसी से माशा तस्कीन पाता है। इसके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। आदमी को वो खुशी और वो एक बेसिक चीज जो है जिससे इंसान इंस्पायर होता है, औरत इंस्पायर करती है मर्द को। औरत की वजह से मैं खार भी बहुत हुआ हूँ और औरत की वजह से मैं खुश भी बहुत हुआ हूँ। तो ये मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ खसूसियात और मुख्तलिफ फितरत की औरतें होती हैं, उनमें अच्छी भी होती हैं जिन्होंने बहुत बहुत इंस्पायर किया है मुझे, और ऐसी भी हैं जिन्होंने बीमार किया है मुझे, और मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मैं बात नहीं कर सकता, मुझे एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे तीन दफा मेरी जिंदगी में तीन बहुत अहम मोड़ आए हैं, औरत के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि तीन अहम मोड़ आए हैं जिसमें एक बार ये हुआ कि बिल्कुल मैंने कहा कि इस जिंदगी का कोई सेंस ही नहीं है, मफहूम ही कोई नहीं है, और मेरा ख्याल है इस जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए। ये कौन करा है, किससे करा है? एक औरत ने करा है। रफी खावर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक रफी खावर को इश्क हो गया नन्हे को, और उस आके मुझसे बताया करता था कि जनाब मैं तो जिंदा नहीं दे सकता और ये दे सकता। मैंने उससे कहा, मैंने कहा मैं इससे गुजर चुका हूँ, मत करो ये, और मत जाओ इस तरफ, ये तुम्हें बुलंदी से वो ऐसा खींचेगी और ऐसा पटकी देगी कि मर जाओगे तुम। औरत की वजह से एक तबड़ा हादसा पेश आया। मैं उससे निकल गया, मैं उससे बाहर आ गया,
मैं फिर एक औरत के साथ ही रहता हूँ और वो औरत मेरा हर तरह ख्याल करती है, तो मुझे वो औरत मिल गई। तन्हाई में परेशान हुए? तन्हाई का जहां तक ताल्लुक है, मैंने तन्हाई को बहुत एंजॉय किया। तन्हाई होती है एंजॉय करने वाली चीज। बस दफा ऐसा होता है कि जब मैं तन्हा होता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं। तन्हाई जो है इंसान को इंस्पायर करती है। मैंने तन्हाई को बहुत महसूस किया क्योंकि मैं बचपन से तन्हा हूं। अगर मैं तन्हा ना होता, मैं एक भरे कुंभे में होता, या मैं मेरे बहुत सारे दोस्त होते, या मेरे बहुत कुछ होते, ये तो मैं मुख्तलिफ आदमी होता। मैं ऐसा आदमी नहीं होता जो इतनी शिद्दत से चीजों को महसूस कर सकता। अपने अलावा आप किसकी डायरेक्शन से मुतमईन हैं? कोई भी जिसको डायरेक्शन करनी आती हो, जिसको डायरेक्शन का फन आता हो, जिसको समझ में आती हो कि डायरेक्शन क्या चीज है। किसकी तहरीरें पसंद है? मेरा ख्याल है कि हर आदमी जो जिसको लिखना आता है उसकी तहरीर मुझे क्या सबको पसंद आती है। किसकी याद शिद्दत से आती है? उनका नाम था सफिया दीन और ये मेरी आइडियल होती थी। ये राधा से ग्रेजुएशन करके आई थी पाकिस्तान और यहाँ आपने अपने लिए अदाकारी के मैदान में अपना करियर बनाना चाहती थी। मुझे अभी तक याद है कि हम और वह दोनों, उनके पास एक साइकिल होती थी, लेकर फिरती रहती थी तमाम लाहौर में। हम तो होते थे बहुत गरीब, लेकिन यह है कि जब कभी चार पैसे आते थे तो हम उनको आइसक्रीम वगैरह खिला दिया करते थे। अब वो कहती थी कि मैं तुम्हें ये पे अप करूंगी, ये भूलना नहीं। असल में आप सच पूछिए तो मुझे थोड़ा बहुत उनसे इश्क भी हो चला था, लेकिन उनको इसका महसूस हुआ और उन्होंने मुझे एक खत लिखा। उसमें लिखा, अंग्रेजी में खत लिखती थी, उसमें उन्होंने लिखा कि गालिबन तुम भूल गए हो कि मैं मिसेज रॉबर्ट हूं। लेकिन उसका मैंने हार नहीं बाधी। वो बहुत ही मजहबी खातून थी और ये मेज जिस पर मैं बैठ के अपने लिखने का काम करता हूं, ये मेज उन्होंने मुझे तोहफतन दी थी कि 1959 में। और क्या ख्वाहिशें बाकी रह गई हैं? बेतहाशा ख्वाहिशें इंसान की जो है वो छोड़ के जाता है, तो मैं क्यों नहीं होंगी। मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो पूरी नहीं हुई, जो बहुत सारी पूरी हो गई, उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। कोई ख्वाहिश इंसान की ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ही पूरी हो गई हो। ऐसा आदमी मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में तो नहीं बचता। कमाल अहमद रिज़वी एक खुली किताब है, लेकिन इसे पढ़ना इंतहाई दुश्वार है। कमाल अहमद रिज़वी से आपने मुलाकात की। कमाल कौन है, कमाल क्या है, कमाल कैसा है? सच पूछें तो ये कमाल अहमद रिज़वी को भी नहीं मालूम।